जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। चार इमली स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 253 में पहुंचे हैं वीएल कांताराव। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने IND24 से खास बातचीत की। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव से बातचीत करी है IND24 में। बस कुछ ही वक्त बाद हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत की गई। मतदान क्रमांक 253 में वीएल कांताराव पहुंचे, जो कि चार इमली में स्थित है। वीएल कांताराव मतदान केंद्र पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका मतदान केंद्र पर पहुंचना शुरू हो चुका है और इसी कड़ी को सबसे पहले आगे बढ़ाया है वीएल कांताराव ने। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। तमाम जिम्मेदार अधिकारी मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं 253 मतदान केंद्र क्रमांक में पहुंचे हैं वीएल। 8 सीटों पर चुनाव होना है, वहां साथ जो मुख्य पदाधिकारी हैं खासतौर से जो वीएल कांताराव, वो इस वक्त भोपाल के चार इमली स्थित मतदान केंद्र यहां पर पहुंचे हैं। खासतौर से उनसे यहां पर बातचीत करते हैं। सर, 8 सीटों पर आज तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, किस तरह की तैयारी? देखिए, 18,141 मतदान केंद्र है आज, जिनमें 1,44,00,000 लोग जाके वोट डालेंगे और उनको उनसे वोट डलवाने के लिए हमने सारी सुविधा उपलब्ध कराई है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर जगह कोई भी हमारा जो मतदाता है वो धूप में नहीं खड़े होंगे। और जो हमारे स्पेशल मतदाता हैं, जैसे दिव्यांगजन हैं, महिलाएँ हैं, गर्भवती महिलाएँ और वृद्धजन हैं, उनके लिए तो हमने वॉलंटियर लगाया है जो उन लोगों को देखते ही उनको रिसीव करेंगे और उनको क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनसे क्यू जंप कराकर सीधा उनको वोटिंग कराएंगे। सर, भिंड मुरैना की बात किया है, चंबल इलाकों की, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है सर, सुरक्षा? देखिए, भिंड मुरैना मध्य प्रदेश में इसीलिए स्पेशल इलाका है क्योंकि वहाँ पर राजस्थान और यूपी का बॉर्डर पड़ता है और वहाँ पर पिछले चुनाव में भी पोल वायलेंस की घटनाएं हुए हैं। तो वहाँ पर हमने केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ साथ राज्य के सशस्त्र बल भी दिया है, जहाँ पर सभी संवेदनशीलों में कोई ना कोई बंदूक वाले गार्ड वहाँ खड़े होंगे। और साथ ही हमने वहाँ पर इतने सेक्टर पुलिस मोबाइल लगाए हैं, आपको हर 5 मतदान केंद्रों के बीच में एक पुलिस मोबाइल मिल जाएगा और कहीं पर भी कोई सूचना मिलती है तो 5 मिनट के अंदर वहां पर हमारी दल पहुंच जाएगी। राजधानी भोपाल हाई प्रोफाइल सीट बनी है, देश भर की आज भोपाल की सीट पर नजर है, तो सर यहां के लेकर क्या सुरक्षा? देखिए, राजधानी में जो हमने अलग अलग इनपुट्स लिए हैं कि किस किस मोहल्ले में, किस किस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, तो उस हिसाब से हमने प्लानिंग किया है। उस हिसाब से हमने अपना जो फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए हैं और पूरी जो केंद्रीय सुरक्षा बल जो यहाँ मिला है उसको शहर के अलग अलग कोने में हमने खड़ा किया है, तो कहीं पर भी कुछ सूचना हमें मिलती है तो हम तत्काल हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड भेज के हम स्थिति को निपटाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव, जिनका साफ तौर से कहना है कि मध्य प्रदेश की जो 8 सीटों पर चुनाव होना है और सभी जगहों पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। खास तौर से अगर बात किया भिंड मुरैना की, तो वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शुएब खान, IND24 भोपाल।